उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतदान के दिन प्रदर्शन करने पर दर्ज हुई FIR पर बोली महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान के दिन धरना प्रदर्शन करने को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 25 मई को महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में PDP के कई सदस्यों ने बिजबिहाड़ा पुलिस थाने के बाहर धरना दिया था। इस मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर महबूबा मुफ्ती के FIR दर्ज की गई है। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को मामला दर्ज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक्स पर एक पोस्ट में मुफ्ती ने कहा कि मतदान से एक दिन पहले उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह से हिरासत में ले लिया गया था। इसी के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने कहा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मेरे खिलाफ FIR दर्ज होना हास्यास्पद है। सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत PDP को चुकानी पड़ी है। हमारा विरोध स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा मतदान से पहले PDP के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ था। इसके बाद भी प्रशासन ने कई मतदाताओं को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए पारंपरिक PDP के गढ़ वाले क्षेत्रों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे पहले 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान के दिन महबूबा मुफ्ती ने पुलिस पर बिना किसी कारण के उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। उन्होंने कहा था कि DG LG और ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी इसमें शामिल हैं। 13 मई को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न और अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था। मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में 54.3% मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 14.3% ही रहा था।